हे स्टूडेंट्स, बच्चों कल आपने पढ़ा था डाइवर्सिटी, एंड आज हम एक टाइप की डाइवर्सिटी जो है हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स में उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले चीज़ तो आपको क्लियर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए जो मैंने आपके पिछले टर्न में आपको समझाया था कि डाइवर्सिटी आखिर होती क्या है। ठीक है, आपको वो चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर, बच्चों आपको पता होगा कि बहुत पुराने टाइम से, लाइक जब हम हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट टाइम से जो हमारी कंट्री है इंडिया, यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रेवलेंट है। अगर आप कोई भी एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो आपको यही पता चलता है कि उस टाइम पे कैसे फैमिली हुआ करती थी, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। अब क्वेश्चन आता है कि जॉइंट फैमिली क्या है एंड न्यूक्लियर फैमिली क्या है। तो बच्चों, जिस फैमिली में मदर, फादर, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, जिसे आप अंकल आंट कह सकते हो इंग्लिश में, कजन्स, ये सब लोग एक ही छत के नीचे अंडर द सेम रूफ रहते हैं, तो इसे हम अपनी लैंग्वेज में जॉइंट फैमिली कहते हैं। यही बच्चों न्यूक्लियर फैमिली क्या है। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिलीज हैं जो आजकल आप ज़्यादा देखते हैं। किस टाइप की फैमिली? दो पेरेंट्स होंगे, लाइक मदर, फादर एंड उनके बच्चे, ये सेपरेटली रहेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली। तो आपको दोनों में डिफरेंसेस पता चल गए। बच्चों अगर हम पौराणिक समय की बात करें, एंशिएंट टाइम से अपनी बात शुरू करें, तो उस टाइम पे कौन सी फैमिलीज का चलन था? जॉइंट फैमिलीज। एंड उस समय इन फैमिलीज में बहुत सारे मेरिट्स थे, बहुत सारे एडवांटेजेस हुआ करते थे। क्या एडवांटेजेस थे वो भी देख लेते हैं बच्चों, एंड फिर हम देखेंगे कि इसके क्या डिसएडवांटेज हैं एंड क्यों आज के समय में न्यूक्लियर फैमिली, जिसे हम छोटी फैमिलीज कहते हैं, उनका प्रचलन ज़्यादा है। तो एडवांटेजेस बच्चों बात करें तो जॉइंट फैमिली में जब इतने सारे लोग एक साथ रहोगे, तो एक दूसरे की विचारों की रिस्पेक्ट करोगे, आपस में हारमोनियस तरीके से रहोगे, है ना, कॉपरेट करके रहोगे, प्यार बांटोगे एंड एक दूसरे की ताकत भी बनोगे, राइट? तो ये आपका फर्स्ट मेरिट है जॉइंट फैमिली का। इसके आगे बच्चों, यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पौराणिक समय में मेन जो काम हुआ करता था वो खेती बाड़ी का काम हुआ करता था। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। इससे क्या होता है बच्चों, ऑक्यूपेशन से ये कैसे इफेक्ट करता था फैमिली स्ट्रक्चर? जो खेती बाड़ी होती है, आप लोगों में से कई लोग इससे एसोसिएटेड होंगे, तो आपको पता होगा इसमें कई प्रकार के काम होते हैं, जैसे बीज को बोना, फिर उसकी सिंचाई करना, फिर फसलों का ध्यान रखना, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करना। तो इन सारे काम के लिए हमें अलग अलग लोगों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा लोग हमें चाहिए होते हैं। तो यही जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपस के परिवार के लोग ही एक दूसरे के खेतों में काम करके मदद किया करते थे। इसके अलावा इन टाइम्स ऑफ नीड, जब जब नीड होती है या जब आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, तो क्या होता है, आपके बच्चों की देखभाल हो सकती है अच्छे से, है ना, आपकी और जो फैमिली रिक्वायरमेंट्स है वो देखे जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पिता, आपकी माता दोनों ही वर्किंग हैं, दोनों ही काम करते हैं, है ना, तो इस ऐसे में अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते होगे तो क्या होगा, आपकी आपको अकेले रहना सीखना पड़ेगा। बट यहीं अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। पर इसके साथ साथ बच्चों, जॉइंट फैमिली में कुछ नुकसान भी थे, जैसे कि वहाँ पे इतने सारे लोग साथ में रहते थे, सबकी ओपिनियंस अलग होगी, तो डिसएग्रीमेंट होगा, क्वारल्स यानी लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है,
किस बारे में, जो जॉइंट प्रॉपर्टी है वो किस हिसाब से बांटी जाए, उस पर भी क्वेरल्स होंगे। इस वजह से आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसके आगे हाउसिंग बहुत बड़ी दिक्कत है, एक साथ बड़े घर यहाँ पे मिल नहीं सकते, बल्कि न्यूक्लियर फैमिलीज तो छोटे घरों में एडजस्ट हो जाती हैं, तो वो वैसे घर मिलना पॉसिबल है, ईजी भी है। इसके अलावा जो व्यक्ति अगर जॉइंट फैमिली में रहता है तो उसे अपने बड़ों से हर चीज़ को अप्रूव कराना होता है। जैसे अगर आपके पिता, आपके चाचा एंड आपके दादाजी सब लोग साथ ही में रहते हैं, तो आपके पिता कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकते, उन्हें अपने दादाजी से पूछना पड़ेगा। ऐसे ही आपके चाचा भी कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकते, उन्हें भी दादाजी से पूछना पड़ेगा। बल्कि न्यूक्लियर फैमिली में आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की अनुमति होती है, ठीक है। इसलिए आजकल न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे हैं लोग। आगे के सेशन में हम बच्चों डाइवर्सिटी इन ऑक्यूपेशन के साथ अपना ये चर्चा आगे लेकर जाएंगे।